स्काई चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सपना और बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। रहे कामों को पूरा करने के लिए चाहिए एक मौका, जनसभा में बोले डॉक्टर राम प्रताप, कांग्रेस पर भी साधे निशाने। 5 सालों का बदला लेंगे आने वाले 7 दिसंबर को, जनसभा को संबोधित करते हुए बोले चौधरी विनोद कुमार। जमींदारा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थामा भाजपा का दामन, स्वागत समारोह में बलबीर बिश्नोई ने लिया कांग्रेस को आड़े हाथों। और कैंडल मार्च के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने की खास कवायद। खबरें विस्तार से। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार विधानसभा क्षेत्र में शहर व गाँव में जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाजपा के पक्ष में वोट डालने का, वोट मांगने का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप हनुमानगढ़ टाउन स्थित दूधवाली कॉलोनी कोहला और गुरुसर में पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें रहे हुए कामों को पूरा करने के लिए एक मौका चाहिए और ये मौका तभी हो सकता है कि जब जनता उनके हक में वोट करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाने साधे। जनसभा को संबोधित करते हुए कोहला में डॉक्टर राम प्रताप जब पहुंचे तो कार्यकर्ताओं और गांववासियों ने उनका तहे दिल से स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप ने जनसभा में उपस्थित जनों का आभार जताया और 7 दिसंबर को होने वाले चुनाव में भाजपा को अपना वोट देकर विजयश्री दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि विकास केवल मेरे नहीं बल्कि आपके सहयोग से होगा, आप मुझे वोट दें और मैं आपको विकास दूंगा। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रहे हुए कामों को पूरा करने के लिए उन्हें एक मौका चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। माता और बहनों, जैसा बलराज सिंह जी ने बताया है, विकास एक ऐसी चीज है कि इसका अंत नहीं हो सकता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो नई नई चीजें अपने साथ जुड़ती जाती हैं और उनका भी निराकरण होना चाहिए। विकास की गति है वो हमेशा चलती रहती। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो काम मन में बाकी रहे उनको पूरा करने के लिए अपने को एक मौका और चाहिए, उसमें आप सब लोगों का सहयोग है, वो बहुत जरूरी है। चुनाव का टाइम है और चुनाव के टाइम में बहुत सी बातें होती हैं। एक बात मैं आपको बताऊंगा कि सचेत रहना है। इस चुनाव में थोड़ी, जैसे बलराज जी ने थोड़ी सी शुरुआत की थी, रेडी है तो फिर तो माफ करियो, सारा रड़के लागी। काम की कमी कौन रहने दो, काम आदमी थके को दी। अभी थारे तो फतेहगढ़ महेंद्र थारे सारे करी चुका है। एक अपना बेली अजगाने आ कौन पूछे नहीं, भी 98 में मंजूर हुई, 99 में राज बदले हो, इन्हें कैंसिल क्यों करी। तो वहीं दूसरी ओर चौधरी विनोद ने टाउन के फतेहगढ़ मोड़ में एक जनसभा को संबोधित किया और भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन 5 सालों का बदला सब लोग साथ आगामी 7 दिसंबर को लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में हर कार्यकर्ता का सम्मान होगा और अगर वो सत्ता में आए तो हर कार्यकर्ता के साथ साथ जनता का भी बखूबी ध्यान रखा जाएगा। चौधरी पटेल राम पहली बार भिड़ासरा जी ये भी पुराने भाजपा के कार्यकर्ता थे। ठेकेदारी इनके जमतों ने की, मेरे राज में मैंने कभी नहीं देखा बीजेपी कांग्रेस का आदमी ठेकेदारी कर रहा है या बीजेपी का कर रहा है। और इसके सारे वो गवाह है, उनसे ही पूछ लो जो ठेकेदार काम करते हैं। जो पाइथन, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। दादागिरी से दशहरा ग्राउंड बनाया वहां तक तो सीमित है, हमें भी कोई इतराज नहीं। अब वहां मोदी की सभा करेंगे और उस मोदी की सभा उस अवैध जगह पे होगी जो इन्होंने बगैर कानूनी तरीके से बनाई है। दशहरा ग्राउंड, दशहरा मनाओ, हमें कोई इतराज नहीं।
लेकिन अगर वहां राजनीतिक सभा हुई तो कोर्ट ऑफ कंटेंप्ट जसपाल सिंह लगाएगा। इनको बताऊंगा कि विकास क्या होता है। पुत्र के जो उनका व्यवहार था, जो उनकी वाणी थी, उनसे दुखी होकर के लोग आए हैं। देश के प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं कि मैं इस देश में भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा और वंशवाद को मिटा दूंगा। भी जो आदमी योग्य होगा वो राजनीति में आगे आएगा। परंतु हमारे ये कौन सी मजबूरी है, ये कौन सी परेशानी है कि ये देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री तो ये बात कहता है कि मैं वंशवाद को मिटाऊंगा, मैं सब लोगों को समान रूप से आगे लेकर के आऊंगा, परंतु उस देश की सबसे बड़ी पार्टी का जिले का प्रथम नागरिक, जिला प्रमुख किसी कार्यक्रम में खड़ा जी हजूरी के लिए इंतजार कर रहा है, वो किसका इंतजार कर रहा है? जिसको आज तक वार्ड पंच का चुनाव भी नहीं लड़ा उस मंत्री पुत्र का इंतजार कर रहा है, जिले का प्रथम नागरिक। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। रेणु जी का, सुषमा जी का तहे से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी और मुझे समर्थन दिया। और पता चलता है जब आदमी का वास्ता पड़ता है कि रेणु जी का जो आयरनिटी है बहुत ही मजबूत, और इस इलाके में खुदार लोग भी रहते हैं, और अभी जो लोग बैठे वो चुन लगाई बैठे हैं, इन्होंने हिम्मत दिखाई है। ये इन्होंने कुछ किसी से लिया नहीं है, इन्होंने पार्टी को दिया ही है, लेकिन इनके साथ जो व्यवहार हुआ है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो मैं और उनकी करतूतों के बारे में बात करना तो अपनी दिमाग ही खराब करनी है, मैं तो ये समझता हूँ। इन्होंने जो 5 साल के अंदर अपने साथ जो व्यवहार किया है कि उसका बदला उन्होंने तो 5 साल में किया है, अपने सब मिलकर के आने वाली 7 तारीख को एक दिन में बदला लेना है, आपके कंधे पर निशान लगाना है और अपने आप सारा साफ हो जाएगा। और बात सुविधाना पार्टी की करें तो सुविधाना पार्टी के कार्यकर्ता बलराज दानेवालिया सहित भारतीय जनता पार्टी में समर्थन देते हुए शामिल हो चुके हैं। पार्टी में शामिल होने वाले बलराज दानेवालिया अकेला नहीं बल्कि उनकी पूरी पार्टी के कार्यकर्ता, कई कार्यकर्ता उनके साथ हैं। उनका स्वागत करते हुए डॉक्टर राम प्रताप ने उन्हें पार्टी में सम्मान देने की बात कही। और इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कांग्रेस पर गलत तरीके से प्रचार करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हिम्मत नहीं कि वो आमने सामने बैठ कर बात कर सके। उसके पास कोई मुद्दा है नहीं, वो भूल तलूल कुछ बोले उनकी मर्जी, अपने उस पर कोई चिंता नहीं करते, वो सिवाय भ्रामक प्रचार के उनके पास कहने को कुछ नहीं करनी है। तो चर्चा मैं कह रहा हूँ सामने मंच पर आओ, डिबेट कराओ, प्रेस के माध्यम से डिबेट कराओ। आपने 5 साल में क्या काम किया, हमने 5 साल में क्या किया, आओ बैठ कर तुलना कर लेते हैं। जब भी कोई डिबेट होती है, चाहे अखबार की हो चाहे टेलीविजन की हो, कांग्रेस का कोई पदाधिकारी नहीं होता। पिछले दिनों ईटीवी ने एक ऐसी डिबेट कराई तो अभिमन्यु पूनिया को भेज दिया कांग्रेस की तरफ। वो हमारे परिवार में रिश्ते में काम का दोहता ही। मैंने कहा भाई मैं इसे क्या डिबेट करूंगा, ऐसा बच्चा है मेरा, इसे क्या डिबेट करूंगा, इसको नहर का ही मालूम नहीं है। वो बोल गया है कृषि मंत्री डॉक्टर साहब को, उसको यही पता नहीं इनके पास सिंचाई मंत्री है, कृषि मंत्री। तो ये डिबेट से क्यों भागते हैं, जब इनके पास इतने मुद्दे हैं तो डिबेट से क्यों भागते हैं? तालियां भाई बलराज सिंह, भाई बलराज सिंह जिंदाबाद, भाई बलराज सिंह जिंदाबाद, भाई बलराज सिंह जिंदाबाद। आज चंद्रशेखर आजाद बैठक में जमींदारा पार्टी की तरफ से डॉक्टर राम प्रताप जी को, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप जी है उनको हमारी समूह टीम ने, जिस टीम में मेरे से अलावा हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष सरवण जी शर्मा, जागो पार्टी के पिछली बार के प्रत्याशी हरजिंदर जी गर्ग, ब्लॉक अध्यक्ष मनोज जी सिवर, वार्ड नंबर 5 के पार्षद राजेश मदान व शहरी अध्यक्ष, वार्ड नंबर 4 के लियाकत अली जी व समूह मेरे कम से कम 1500 कार्यकर्ताओं ने ये कल प्रण किया है
कि हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर। तो वहीं दूसरी ओर जंक्शन के वार्ड नंबर 12 में चौधरी विनोद कुमार द्वारा एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जहां कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन भी किया। इस मौके पर पार्षद सुमित रिणवा ने जमकर विरोधी पार्टी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड के साथ जानबूझकर अनदेखी की गई और अतिक्रमण के नाम पर लोगों को बेवजह परेशान किया गया। बंद करवा दी, बहनों की रसोई बंद करा दी, कि जो दो पैसे जोड़े थे वो निकलवा लिए, दे दो क्या थे वो ले। इसे ऐसी सरकार कभी सरकार को हमें बदलना है, इसी आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, धन्यवाद, जय। शामिल होने पर उन्हें दुपट्टा पहनाकर चौधरी साहब उन्हें कांग्रेस परिवार में आ रहे हैं। सुमित जी की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जाने से पहले आप अल्पाहार लेने के पश्चात ही घर को प्रस्थान करें। ये अल्पाहार आप लोगों के लिए भी तैयार करवाया गया है। सुरेंद्र जी राय से बलविंदर ये बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इनका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत। भाई सभी साथी जोर से नारा लगाएंगे, हाथ ऊंचा करके जोर से, चौधरी विनोद कुमार, चौधरी विनोद कुमार, पीछे से आवाज भी आ रही, चौधरी विनोद कुमार, चौधरी विनोद कुमार। स्वागत और सुमित रेवा जी की तरफ से पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। आज वार्ड नंबर 12 में चौधरी विनोद कुमार जी कांग्रेस आई के प्रत्याशी जो हैं, उनके समर्थन में एक विशाल जनसभा रखी गई थी, जिसमें वार्ड के प्रभुत्व लोग, वृद्धजन, माताएं और बहनें भारी संख्या में पहुंचे और चौधरी विनोद कुमार जी को भरपूर समर्थन दिया है। डॉक्टर राम प्रताप की गलत नीतियां और वार्ड की अनदेखी वार्ड के लोगों को पूर्ण रूप से अखर रही है। 3 अगस्त 2016 को जो डॉक्टर राम प्रताप ने वार्ड के साथ दुर्व्यवहार कर एक बैर निकाला, वे लोगों ने सुमित रणवा को क्यों जिताया और पीला पंजा चलाकर नाहक मकान जो तोड़े हैं और कुछ लोगों के तो व्यर्थ में ही तोड़े गए, जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता था, जहां सड़कें पूरी थी। और कोर्ट में आज राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया गया, जहां सभी अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचारों को रखते हुए कहा कि हमें आज विधि दिवस को ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि हम सबको इसकी जरूरत है। क्या क्या कहा सभी ने, आइए सुनते हैं। कि हम, हमारा तंत्र कैसे चल रहा है, क्या हम हमारे जो गणतंत्र जो हमें रूप देना था उसको दे पाए हैं क्या। इस कार्यक्रम का हमारा स्वरूप यही रहता है, आप सब हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो प्रशासन व्यवस्था है, चाहे न्यायिक व्यवस्था है, इस पर एक प्रश्न करा कीजिए। इस मंच का उद्देश्य भाषण नहीं होता, आप में से हर छात्र, हर अभिभाषक, हर क्लाइंट, उनको हम पूर्ण समय देंगे, खुला मंच रहेगा कि आप न्यायपालिका की गरिमा को दृष्टिगत करते हुए जो व्यवस्थाएं चल रही है उस पर कोई प्रश्न करा कीजिए कि व्यवस्थाओं में ये कमी है, ये सुझाव हो सकता है। संविधान सभा ने 1949 को हमारे संविधान को स्वीकृत कर लिया था, इस ड्राफ्ट को, कि ये हमारे देश का संविधान होगा। दैट वाज द डे जिसको 32 वर्ष बाद सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में लक्ष्मीमल जी ने, एडवोकेट थे अपने राजस्थान से, जोधपुर से, उन्होंने इस दिवस को पहली बार मनाया और उसके पश्चात इस दिवस को विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 2015 में इसे राष्ट्रीय संविधान दिवस भी घोषित कर दिया गया। क्यों हमें विधि दिवस मनाना चाहिए, क्या कोई औचित्य है, मैं सबसे पहले इसी बिंदु पर आऊंगा कि हमारी न्यायिक व्यवस्था या हमारी व्यवस्था है, इसके 3 स्टेक होल्डर हैं, मैन बार सबसे बड़ी, बेंच, जजेस और क्लाइंट्स। न्यायपालिका के 3 ये स्टेक्स हैं। अगर न्याय व्यवस्था पर हम तीनों मिलकर कभी विवेचन नहीं करेंगे तो अन्य किसी को तो इस देश में इसकी पर विवेचन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। 2 मांग उठाती है कि साहब, एक तो आपकी जांच है ये सीबीआई से करवा दीजिए, इसका मतलब है हमारी पुलिस व्यवस्था पर जनता को भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो मांग रखते हैं कि सीबीआई से जांच करवा दो। दूसरा उनकी मांग होती है साहब कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दीजिए, मतलब हमारी न्याय व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं उंगली उठती है कि आपकी न्याय व्यवस्था लंबी है, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी जाए। इसलिए मतलब जनता में जो मैसेज आ रहा है
वो भी हमें समझना होगा। हर व्यवस्था में जब तक आप सवाल नहीं उठाएंगे, जब तक खड़े हुए पानी में पत्थर नहीं फेंकेंगे तो काई नहीं टूटेगी, वरना खड़े पानी में काई जमना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो होगी और निश्चित रूप से होगी। तो बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, आप देखते रहिए स्काई चैनल। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, Punjabi। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान पाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लेबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। जंक्शन के वार्ड नंबर 42 में BJP के द्वारा चुनावी प्रचार किया गया, जिसमें डॉक्टर रामप्रताप के छोटे पुत्र हरीश सहू ने लोगों से वोट की अपील करके पार्टी को जिताने की बात कही। इस मौके वार्डवासियों द्वारा हरीश सहू का स्वागत भी किया गया। इसके साथ ही वार्डवासियों की समस्याओं के जल्द निपटारे का भी भरोसा दिलाया गया। आज वार्ड नंबर 42 पूर्णराम जी चक्की के ऊपर मैं किसी सुरेशिया बस्ती में आज डॉक्टर रामप्रताप जी के पुत्र हरीश सहू को सभी वार्डवासियों ने मिलकर केले से तोला गया है और हमने एक नुक्कड़ सभा रखकर वार्डवासियों की समस्या को भी हमने एक चिन्हित किया, एक डायरी के अंदर लिखा है। विपक्ष के पार्षद होने के नाते इस वार्ड में काम बहुत कम हुआ है, ये हमें फील हुआ है कि पूरे 45 वार्डों के अंदर सीसी रोडे, नालिए, बिजली के खंभे, तारे, गरीब पेंसिल, ये सब काम हुए हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के द्वारा पक्के मकान भी लोगों को मिले हैं, लेकिन इस वार्ड में किसी वार्ड के जो वार्ड है वो निर्दलीय वार्ड पार्षद है, कांग्रेस का पार्षद है, इसलिए इस वार्ड में काम कम हुआ है। लेकिन आज हरीश सहू ने कई ऐसी समस्याओं को आज उन्होंने घोषणा की है कि चुनाव जीतने पर आपके वार्ड का काम खुद आकर लोगों को या ठेकेदार को लेकर एक सारे काम करवाए जाएंगे। और टाउन में मुखर्जी नगर में चौधरी विनोद के पुत्र भूपेंद्र चौधरी ने डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट की अपील की और पार्टी के हक में वोट मांगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है उससे वो काफी उत्साहित हैं। मंडी टाउन में हमारे सारे प्रमुख कांग्रेसजन, सीनियर कांग्रेसजन, जूनियर और सारे जो समर्थक हैं कांग्रेस के एकत्रित होकर हम डोर टू डोर, शॉप टू शॉप वोट मांग रहे हैं और मेरे ख्याल से शॉप टू शॉप मांगे क्या, सारे शॉप वाले हमारे साथ ही हैं। तो एक जबरदस्त एक माहौल बना है कांग्रेस के पक्ष में और जबरदस्त एक जीत की ओर अग्रसर हो रही है कांग्रेस पार्टी। और बहुजन मुक्ति पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के द्वारा प्रत्याशी एडवोकेट कुलदीप सिंह औलख ने लोगों से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि वो युवाओं को आगे लाना चाहते हैं, इसलिए लोगों से अपील है कि वो एक बार उन्हें मौका जरूर दें। वहीं दूसरी ओर उन्होंने दोनों ही पार्टियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दोनों ही पार्टी के नेता युवा हैं। पहला मुद्दा मेरा है परिवर्तन का, मेरा नारा है आओ चले परिवर्तन की ओर। लगभग 70 साल हो चुके हैं और कांग्रेस और BJP की मैच फिक्सिंग है, ए और बी, कभी ए आ जाती है कभी बी आ जाती है। मेरा सबसे पहला नारा ये है कि युवाओं को आगे लाना। तो एक युवा हनुमानगढ़ का BJP का 78 साल का है और एक कांग्रेस का 72 साल का है। तो मैंने सभी से कि सभी हनुमानगढ़ वासियों को एक नारा दिया है कि परिवर्तन की ओर चले, युवा को आगे बढ़ाएं। शायद अगर इस तरह की स्वतंत्रता जरूरत नहीं थी इस लोकतंत्र की, राजतंत्र काफ़ी था,
भी एक को ले आओ और एक को बिठा दो फिर एक को ले आओ। तो परिवर्तन के लिए आया हूँ, सभी हनुमानगढ़वासियों से निवेदन कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें। और पूरी विधानसभा में लगभग 20 गांवों में घूम चुका हूँ, अपार जन समर्थन मिला है, युवा साथियों की बैक कॉल आ रही है, क्योंकि मेरे वो जो मैंने पंपलेट छुपवाई है, अपील छुपवाई है, या मेरे जो प्रचार हो रहा है, मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल से बैक कॉल आती है और अपने आप बिना कहे युवा मेरे से जुड़ रहे हैं। मेरे को बहुत मैं उत्साह से भरा हूँ, पूरा कॉन्फिडेंस है कि हनुमानगढ़ के लोग मेरी मदद करेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन के द्वारा खास पहल वोट के रो यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में जंक्शन के वार्ड नंबर 41 में स्कूली बच्चों के द्वारा वोट के रो यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की पहल की गई। आज वार्ड नंबर 41 में वोट गिरो यात्रा का आगाज किया गया। उच्च प्राथमिक स्कूल के बच्चों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वोट गिरो यात्रा निकाली और उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया कि सभी लोग वोट डालें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। विधानसभा चुनाव 2018 में ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगातार नवाचार के जरिए कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को सरगम सप्ताह के तहत पहले दिन जिला मुख्यालय पर कई जगहों पर कैंडल मार्च निकालकर मतदाताओं को वोट डालने की अपील की गई। साथ ही कदम बढ़ाना, वोट डालकर आना थीम वाक्य के साथ जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालयों पर जिलों भर में कैंडल मार्च निकाला गया। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय की बात करें तो जंक्शन में मेट्रो लाइब्रेरी से सुरेशिया पुलिस चौकी तक, दुर्गा मंदिर धर्मशाला से भगत सिंह चौक तक और टाउन में नगर परिषद कार्यालय से राजीव चौक तक कैंडल मार्च का आयोजन करके लोगों से वोट डालने की अपील की गई। बोलेंगे कि टीम पहुंची चक ज्वाला सिंह और प्रदीप पाल ने जाने यहां के लोगों से क्या है, क्या कितना विकास हुआ है गांव में और कितना रह गया है बाकी, लोग विकास से संतुष्ट हैं या नहीं और आने वाली सरकार से लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, इन सब पर प्रदीप पाल की पेश है एक खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2018 का प्रचार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और बीजेपी जहां 5 सालों में जो भी कार्य इन्होंने विकास के किए हैं वो 5 सालों में जो विकास के कार्य किए हैं वो गांव में जाकर शहरों में जाकर वोट मांग रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी 5 सालों में जो बीजेपी ने जो भी कार्य किए हैं उसको उन कार्यों में असफल बता रही है। यही स्काई चैनल की टीम आज पहुंची है चक ज्वाला सिंह ग्राम पंचायत में, जहां हम जानेंगे कि सरकार ने 5 सालों में सफल रही है या असफल रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम इस पंचायत में पहुंचे। हमारे साथ यहां के पंचायत के
चकज्वाला सिंह के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सरपंच साहब, 5 सालों में आपकी इस पंचायत में क्या विकास कार्य हुए हैं? इन 5 सालों में मतलब बहुत विकास कार्य किए हैं, सड़कें भी बनी हैं, ग्रेवर रोड भी बनी हैं, स्कूल भी 2 12वीं के हो चुके हैं, स्कूलों में दोनों स्कूल में कम से कम 28-30 कमरे बन चुके हैं, 2 आंगनबाड़ी बन चुकी है और जितना लगभग 30 एक प्रधानमंत्री आवास योजना मकान भी बने हैं, 60 है अभी तक, 30 बने हैं, 10-14 शेड बन चुके हैं और बाकी जो किया वो आप गाँव वालों से भी बता देंगे आपको। धन्यवाद। सरपंच साहब का कहना है कि कई स्कूल के कमरे यहाँ बने हुए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी बने हैं। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप बता दीजिए, 5 सालों में ये क्या हुआ पंचायत के लिए? विकास के मामले में ठीक है, सड़क तो जो भी सरकार आती है सड़क तो बनती है, बनानी पड़ती है, हर एक सरकार बनाती है, क्योंकि उसके बदले में जो जनता है जो सामान खरीदी उसके बदले टैक्स देती है। और असल में विकास का मतलब होता है रोज़गार। रोज़गार हमारे गांव के अंदर बिल्कुल जीरो रहा है और इसके साथ साथ हमारी जो नरेगा है, मेन जो किसान खेती पर निर्भर है और हमारा आम मजदूर है वो है नरेगा पर निर्भर है। नरेगा ढंग से चलती नहीं है, साल में बहुत कम 100 दिन का एक तरफ तो सरकार रोज़गार का दावा करती है कि हमने रोज़गार देती है सरकार जनता को, और उसके बावजूद भी उसमें 50-60-70 के करीब रह जाते हैं। और काम करने के बाद भी यहाँ क्या होता है कि मजदूरी टाइम से नहीं आती, और उसके साथ साथ कि सारा दिन उसका जब टैक्स निकाल दिया उसे तय होता है कि आप ये तो टैक्स बेस पर है काम मजदूरों का, और जब टैक्स पर है तो आप या तनख्वाह पर कर दीजिए, अभी इतनी तनख्वाह देंगे आपको और आप सारा दिन बैठो, और उसके बावजूद भी टैक्स निकालने के बाद सारा दिन शाम तक इनको बिठाए रखते हैं जनता को। ये बहुत बुरी बात है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए था, इसके बारे में नहीं सोचा। बाकी बात सरकारी स्कूल की बात की, सरकारी स्कूल तो बेच दिए थे सरकार ने, सरकारी स्कूल बेच दिए थे हमारे करीबन पूरे राजस्थान में 1700 करीब बेच दिए थे। ये तो पूरे राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और हमारे गांव के अंदर सरकारी स्कूल के सामने हम 10-12 दिन हम बैठे रहे कि हम अधिकारियों के अंदर घुसने नहीं दिया, उसके बाद हमारा ये स्कूल बचा है। ठीक है, स्कूल 12वीं में हो गया वो अच्छी बात है, उसके साथ जहाँ विकास हुआ थोड़ा बहुत वह विनाश भी हुआ है। यहाँ हमारे गाँव में नौजवान बच्चे हैं वो खेलते थे और जो ग्राउंड था हमारा उसके साथ साथ वो ग्राउंड ख़त्म हो गया। अभी और भी आपसे बात करेंगे, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं कि इन 5 सालों में विकास कार्य क्या हुए हैं आपके पंचायत? विकास कार्य है सर, यही नहीं होता भी रोडें सही बना दी तो इससे विकास हो गया। मल्लों के अंदर जाके देखें क्या पोजीशन है, बच्चे हैं जो नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है, लड़के जो नशे की तरफ हो रहे हैं अगर वहाँ ग्राउंड हो अच्छा तो बच्चे खेलेंगे, उसके बाद उनका माइंड डाइवर्ट होगा। और बाकी समस्या थोड़ी इसमें ये है अभी ये जो पानी है जोड़ का, इसकी कोई निकासी का कोई भी उन्होंने प्रावधान नहीं किया जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, बीच में बात चली फिर काम सिरे नहीं चढ़ा इनसे, यही निकासी की व्यवस्था नहीं होने से यहाँ पे क्या समस्या आ रही है? जैसे समस्या ये आ रही है अभी यहाँ पे सारा ये गंदा पानी है सर, ना तो यहाँ पे पशु आते हैं, वह बीमारी का घर है सर। दूसरा ये गुरु घर सामने है सर, गंदगी है सामने, इनके अच्छी नहीं लगती, ये बात है सर। जोहड़ की सबसे बड़ा यहाँ समस्या नज़र आ रही थी कि कह रहे हैं यहाँ पे कोई निकासी की व्यवस्था नहीं। हमारे साथ और भी लोग बने हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप ये बता दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में आपके पंचायत में क्या विकास कर रहे हैं? मैं तो एक ही गल करना चाहूँगा, मैं तो 5 काम गया था इसके पास जी, मित के पास, ठीक है, शुरू तो लेके जस्ट वोट बनी है बीजेपी का आदमी था, अब मैं कांग्रेस में आ गया काट कर, इसने मेरे को उल्टा जवाब दिया कि कहाँ से पैसा लिया, कहाँ से ज़मीन ली, ज़मीन सेठों ने खरीदी है, ये करा वह करे, कोई पैसे का मामला था उसमें भी, क्या कि तू कहाँ से पैसा लिया? नहीं, व्यक्तिगत नहीं, मुद्दों की बात कर रहे हैं अपने, जैसे आपके पंचायत में 5 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में क्या वो बात करें? मुद्दा तो वही उधर दर्शन के मेरा, आप बताएं ना, मेरा तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हुआ है? नहीं, मैं पंचायती में आता नहीं, मैं तो खेती वाला आदमी हूँ, यही बताता, मैं तो आपके गर्म का ही रोड़ा। तो आप खेती संबंधी बता दीजिए, इन 5 सालों में किसान, जैसे कि आप खेती से निर्भर हो, इन 5 सालों में किसानों के लिए कुछ किया है सरकार? कुछ नहीं किया, एक वोटों का मोल था, एक माड़ा जहाँ भाव मिले नहीं तो छुट्टी हुई पी थी। हाँ, जैसे क्या क्या होना चाहिए था? रेट बनने चाहिए, जैसे ठेके बधे 40-40 हज़ार ठेका, तो 4 हज़ार रुपया फसल का रेट होना चाहिए क्वांटल का,
ठीक है। जीएसटी का कोई फर्क पड़े? सारे ही पे है जी। कैसे बताएं? जिमीदार तो ले जाते सारा कुछ जी। पल्ले की है जिमीदार दे बिकया पे जिमीदार था। किसान भी यहाँ से यही मिल रहा है कि किसान भी परेशान है। हम और लोगों से भी बात करेंगे। आप बता दीजिए, जैसे इस चक ज्वाला सिंह में शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य हुए हैं? शिक्षा के क्षेत्र से शुरू से ही लगा लो, हमारे गांव में जब डॉक्टर साहब 2003 में चुनाव हारे थे तो उस वक्त ये गवर्नमेंट बीजेपी की आई थी और हमारे डॉक्टर साहब को IGNP का चेयरमैन बनाया गया था। तब भी उन्होंने 10वीं का स्कूल करवाया, पहले हमारा मिडिल क्लास था। फिर अब इन 5 सालों में अब डॉक्टर साहब ने एक तो स्कूल 12वीं का करवाया है हमारे, क्यों हमारी गांव की छोटी छोटी बच्चियां हैं, कोई गरीब मजदूर की बच्ची है, कोई खेती बाड़ी बच्चियां हैं, सब गांव में पैदल चल के कन्या स्कूल में जो संगरिया रोड पे है जंक्शन जाती थी गर्मी में, अब मई जून के महीने में बेचारी आती हैं, सुबह जाती थी, बड़ी दिक्कत थी। तो हमने डॉक्टर साहब को ये समस्या बताई बार बार, भाई डॉक्टर साहब हमारे स्कूल 12वीं का होना चाहिए। थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया कि हमारे पहले एक प्राइवेट स्कूल 12वीं का चल रहा था, उसी के हिसाब से फिर थोड़ा सा देरी जरूर हुई है, लेकिन अपना स्कूल 12वीं का हो गया और कमरे भी बहुत बने हैं। अब स्कूल की जहाँ तक वो कह रहे हैं भी ठीक है, ग्राउंड नहीं बना, थोड़ा सा ग्राउंड के लिए चलो जगह बची पड़ी है, लेकिन अब कमरे भी बनाने थे, उसकी वजह से भी जगह वो ज़्यादातर कवर हो गई उसमें। और जहाँ तक जोड़ पायतन की बात आई, ये पिछले जब गवर्नमेंट थी कांग्रेस गवर्नमेंट, उस वक्त अपने भाई साहब रविंदर सिंह जी की मम्मी थी सरपंच, उस वक्त हमारे गांव में नालियों नूलियों का जो भी काम था हुआ तो उस वक्त वो सारा पानी निकासी का इसमें डाल दिया गया। इसमें डालने के कारण हमारी तो यही थी भी इसमें मत डाला जाता, क्यों हमारे यहाँ वाटर वर्क्स इसके बिल्कुल जोड़ पायतन के ऊपर लगा हुआ है गुरुद्वारा के सामने, अब वहीं से अपने लोग पानी उठा रहे हैं और वही लोगों को सप्लाई हो रहा है। तो ये आने वाले टाइम में 5-10 सालों में तो दिक्कत तो है ही है जी, भी इसमें बीमारियाँ गंभीर बीमारियाँ होने की संभावना रहेगी, लेकिन अब उसके लिए प्रयास किया था। डॉक्टर साहब ने बोला भी मैं 20 लाख रुपए देता हूँ आपको, सर्वे करवा लो आप। हमने सर्वे भी करवाया, आइए ना आए तो देखा, फिर गांव के भी उस साइड में एक जोड़ है मेघवाल मल्लों की तरफ, तो वो सारे फिर जब पता चला भी अपने चलो लगते हैं करने के लिए, सबको पता लगा भी जोड़ इस पानी की निकासी उस साइड में हो रही है, तो उसका विरोध किया गया भी अपने इसको नहीं होने देंगे, आधा गांव का पानी इधर जा रहा है तो आधा इधर जाने दो, आधा उधर जा रहा है तो आधा उधर जाने दो, इसमें अपने कोई बात नहीं है। फिर जब सारे लोग नहीं माने, बात नहीं हुई, तो वो इस बात को फिर हमने चुप कर गए भी चलो ठीक है, अब सारा गांव जैसे सहमत होगा वैसे ही काम तो वही होना चाहिए जो गांव सहमत हो जी, जिस पे गांव सहमत नहीं है। फिर हमने डॉक्टर साहब को ये समस्या बताई, डॉक्टर साहब इसको छोड़ो, फिर एक अपने शहर में RUDIP की एक 281 करोड़ की पानी की योजना चालू हुई है, उसमें हमने डॉक्टर साहब को बताया भी डॉक्टर साहब चलो ये सारे लोग अपने ठीक है, लोग नहीं चाहते हैं, वो कहता है ये उनके मोहल्ले का जोड़ पाते ना तो हमारे मोहल्ले में उधर का पानी क्यों आए, कि ये बारी भी समस्या हो जाती है। तो फिर हमने उनको बोला डॉक्टर साहब को भी डॉक्टर साहब इसको जोड़ा जाए, तो डॉक्टर साहब ने हमारा गाँव जो RUDIP का जो अपने फिल्टर पानी मिलेगा पूरे शहर को, और उनमें हमारे ये मान लो कि गाँव है 2 केंजेबादी, ये अपना ज्वाले वाला गाँव जोड़कियाँ और एक शायद सतीपुरा है, ये गाँव उसमें डॉक्टर साहब को कह के जुड़वाई हमने। और ये गौरव पथ भी अभी बनवाया, पहले हमारे गांव में ये मान लो कि सड़क बहुत नीची थी और बारिशों के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी जी, कई बार तो अब गाड़ियां तो चलो अब हुई हैं, पहले ट्रैक्टर थे और थे तो निकलना बड़ा मोटरसाइकिल में निकलना मुश्किल हो जाता था, उस वक्त डबल खड़बंजा लगवाया डॉक्टर साहब से, अब उन्होंने गौरव पथ बनवाया जी हमारे गाँव में। बाकी काम जैसे शेड बनवाया है, और एक हमारे बहुत बड़ी समस्या थी जैसे ये बाईपास बनाया सतीपुरा टाउन, इसमें सारा ज़्यादातर गरीब लोगों के घर हैं तो उनके ऊपर से बड़ी लाइनें जा रही थी बिजली की, तो वो अब देखो किसी के मकान के ऊपर जब लाइन जाती है तो उसकी कीमत कोई नहीं लगाता भी, आज वो चीज़ 50 लाख की है और वो उसका 5 भी नहीं लगाता। क्यों आपके पास और भी आएंगे, हम हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर वो लोग भी और क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ युवा साथी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप बता दीजिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ आपके? सर शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर साहब ने बहुत काम करा है, हमारे पंचायत में दोनों स्कूलों को 12वीं तक करवा दिया गया और हमारे गाँव में 14 कमरे तो बन चुके हैं और 2 कन्या स्कूल में बन चुके हैं, और हमारे पंचायत के दूसरे गाँव गाड़ू में भी सर 12 कमरे बनवाए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर साहब ने बहुत काम करवाया है। और पानी की स्वच्छ पानी की बात की जाए तो डॉक्टर साहब ने जो कि योजना आई है हमारे शहर में 281 करोड़ में, उसमें भी हमारे गांव को जुड़वा दिया गया है। और आपके सामने सर गोरव पथ है, ये भी डॉक्टर साहब ने दिए जी, और ब्लॉक बनाए हैं बहुत, और जो 33,000 की लैंड थी वो भी सर देश आज़ाद होने के बाद बहुत विधायक है बहुत चले गए, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत समस्या से निजात।
मतलब कोई समस्या नहीं, नहीं कोई समस्या नहीं है सर। देखें हम अभी और लोगों से भी बात करते हैं। हाँ आप बता दीजिए क्या कहना। डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं किया, ये डॉक्टर भगत हैं, ये उनके खिलाफ़ बोल नहीं सकते। कल ये फ़ोन पे भी भाई साहब मेरे को एक बात कह रहे थे मेरे सामने वाली धर्मशाला के लिए डॉक्टर साहब ने 3 लाख का कहा था, वो अभी तक नहीं दिया। ये जो गौरव पथ बनाए, ये गौरव पथ जब से शुरू हुआ है तब से विवाद का घर ही रहा है, ठीक है। किसी कांग्रेस के घर वालों के आगे तो ऊंचा कर दिया इसको, कहीं नीचा कर दिया, एक समान नहीं बनाए। भेदभाव की किया, हाँ भेदभाव किया है बिल्कुल, विकास कार्यों में भेदभाव हुआ है। उसके बाद जो ये खाले गंदे पानी की समस्या है, ये समस्या का समाधान चौधरी विनोद कुमार जी ने किया था जाते टाइम, ठीक है। उन्होंने एक खाला नाला दिया था, नाला बनाने के लिए, जो घर में पानी छोड़ने का प्रस्ताव था, लेकिन इन्होंने आके वो काम रुकवा दिया। और शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक बात है, हमारे जो बच्चे आते हैं यहाँ पे नशे का इतना प्रकोप है, इतना बुरा प्रकोप है, बिजवाले वाला नंबर वन होता जा रहा है नशे में, ठीक। यहाँ पे बच्चियाँ कहाँ पे सेफ हैं? आए दिन हमारे रोड पे कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई ना कोई ऐसे नशे वाले डेली मिलते हैं। आप शाम के टाइम आना, कभी मेन रोड पे खोखा चल रहा है, दारू का ठेका था वहाँ पे गोल्डन सिटी के आगे, वो बड़ी मुश्किल से बंद करवाया। 10 बार डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब के खुद के आदमी का राजेंद्र जी का ठेका था, वो कहते मैं नहीं बंद करता, फिर विरोध पे बैठे बंद करवाया। स्कूल का प्राइवेटकरण कर रहे थे, ये कामरेड भाई हैं हमारे, ठीक है। चलो हम कांग्रेस से हैं पर हम इनका बहुत सहयोग मानते हैं, उसमें ये आंदोलन में शामिल हुए हमारे साथ और इन्होंने ये स्कूल को प्राइवेट होने से बचाया। अब हम किसानों की बात करेंगे, जैसे कि ये कृषि क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा यहाँ चक ज्वाला सिंह में भी किसान हैं। हम किसानों की ये बात करना चाहते हैं कि किसानों के लिए इन 5 सालों में क्या कुछ हुआ, आप बताएं। किसानों के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत तो प्रयास किए, लेकिन इन्होंने ज़्यादातर तो अपने बीज के लिए भी बहुत उन्होंने प्रयास किए, और एक वो अपने जो अपने 50,000 रुपया उन्होंने जो अपने माफ़ करवाए उन्होंने, इतने बाकी ग्रामवासी बैठे हमसे पूछना चाहिए ज़्यादा अलग अलग कि मैं किसान का ज़्यादातर मेरे को नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं किसान बारे में। ठीक है, और लोगों से बात कर लेते हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं किसान के बारे में, इन 5 सालों में क्या हुआ है बताएं जी आप। बिल्कुल, इन 5 सालों में किसानों के लिए जितने काम होने चाहिए थे उनकी आशा से भी ज़्यादा यहाँ पर काम हुए हैं। अगर आप इसी टाइम अपने यहाँ पर बैठे हो, आप देखो सामने एक ऑफिस बना हुआ है कृषि पर्यवेक्षक का, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। किसी भी किसान को खेती की जरूरत संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे तो वो मौसम का पूर्वानुमान हो, चाहे वो सीड किसी किस्म का हमने बीज बोना है, कौन सा हमने पेस्टिसाइड यूज़ करना है, उस हर किसी तरीके की यहाँ पर सलाह दी जाती है। दूसरे नंबर की बात करें, यहाँ पर किसानों के पास सबसे बड़ी समस्या ये आती थी कि जब आज से अपने 10-15 साल पहले की बात करते हैं तो चाहे वो जंक्शन जाना था चाहे टाउन जाना था, जमींदारों ने अपनी फसल जब लेकर जानी थी तो कोई रोड नहीं होती थी। ये मेगा हाईवे प्रोजेक्ट ये डॉक्टर राम प्रताप जी का उस टाइम हमें दिया हुआ है। आज यहाँ से जैसे कोई ट्रॉली निकलती है 10 मिनट में वहाँ पर पहुँच कर अगला वहाँ से वापस आ जाता है। फिर अगर अपने बात करते हैं पानी की व्यवस्था की खेतों के लिए, तो आप देख सकते हो आप हमारी NGC नहर बिल्कुल पक्की हो चुकी है जी। पहले जहाँ पर हमारे गांव लास्ट गांव है हमारा इस नहर पे, जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता था, और अब हालत ये है कि हमें मोगे बंद करके आने पड़ते हैं, पानी का इतना ओवरफ्लो रहता है। फिर अगर अपने बात करते हैं कि लाइट की फैसिलिटी की, हमारे गाँव में जो घरेलू डोमेस्टिक लाइट है वो 24 आवर्स है, 24 घंटे के लिए लाइट है, ये भी डॉक्टर राम प्रताप जी की हमें देन है। और खेतों की भी अगर बात करें, राइस बेल्ट इसको घोषित करने के लिए पुरजोर यहाँ पर मांग चल रही है, और ये 6 से 7 घंटे हमें राइस चावल के दौरान भी हमें यहाँ पर पानी मिलता है। अगर अपने बीजों की बात करें, अभी जैसे अपने देखो इस जो भी अपने कणक की बुआई चल रही है तो इसमें भी जमींदारों को सब्सिडी पर बीज मिल रहा है, जमींदारों को बीज कणक का बीज मिल रहा है 17 रुपये, और जमींदार से फसल खरीदने का रेट है 18.5 रुपये, 1.5 रुपये सब्सिडी के हिसाब से मार्केट रेट से भी कम मिल रहा है, सब्सिडी तो इस पर और भी बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ पर जमींदारों के लिए ये जो जमींदार यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिर अगर आप देखो चने की बात, अगर आज कोई चने का बीज लेता है MSP उसकी 4500 रुपये 3500 रुपये के हिसाब से मिलता है, फिर उसके साथ उनको खाद दी जाती है, पेस्टिसाइड दिए जाते हैं, उसके ग्रोथ प्रमोटर्स दिए जाते हैं। किसानों के लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया काम हुआ है, और मुझे नहीं लग रहा कि आज हमारे इस गाँव का कोई किसान सरकारी किसी सरकारी योजना की वजह से वो परेशान है, चाहे वो ऋण माफ़ी की बात हो, चाहे उनको कोई सर्विस अवेलेबल करवानी हो, चाहे वो प्रचार एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का काम हो, हर तरफ से यहाँ का किसान संतुष्ट है। आप कुछ कहना चाहते हैं किसानों के बारे में? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कहें किसानों की जब बात आई है तो, क्योंकि साथी ने हमारे ने कहा पानी की समस्या वगैरह के लिए, हमें पता है पानी कैसे आता है नहरों के अंदर,
क्योंकि मैं चूरू जेल काट के आया हूँ 15 दिन चूरू जेल, मेरे खारे पानी में हमें भेजा वहाँ। ये पानी की किसान की पानी की समस्या ही थी। जब जब हमारे एरिया में जो, क्योंकि यहाँ पता नहीं चलता हमारे यहाँ ये जो हमारा राइस बेल्ट है, यहाँ जो पानी नीचे का पानी बढ़िया पानी है, इसलिए हमारे यहाँ पता नहीं चलता पानी भी कम आया ज़्यादा आया है। बाकी आप देखोगे तो पिछली बार हमने आंदोलन किया था, पानी बिल्कुल बंद कर दिया था, पानी नहीं है, इतना ही पानी मिलेगा। जब 30-35 हज़ार किसान यहाँ हमारे जो AN बैठते हैं सिंचाई विभाग है जो, इसको घेरा और शाम को और दिन में कहता पानी नहीं है, शाम को जब जनता उमड़ी तो वो दीवार तक आते गिर गई और दूसरे दिन पानी दे दिया गया। संघर्षों से ही पानी आया। दूसरा कर्जा माफ़ी की बात किया, देखो आप हमें खुल के बात करनी चाहिए, हमें दब के बात नहीं, हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हम डॉक्टर के आदमी हैं या कांग्रेस के आदमी हैं या कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी हैं। अरे कैसे मिला ऋण माफ़, कैसे हुआ है 50-50 हज़ार रुपये माफ़ जो हुआ है किसानों ने, बहुत बड़े पैमाने पर हम जयपुर से लेकर हमारे हनुमानगढ़ तक बादरा के अंदर भी लगातार सैकड़ों दिन धरने चले, प्रदर्शन किए हैं, सरकार को घेरा है, तब जाके वो ऋण माफ़ हुए हैं। और दूसरी बात किसानों की बात, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि यहाँ थोड़े पानी अच्छा है हमारा, पर ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, पानी नीचे जा रहा है, हाँ बिल्कुल पानी नीचे जा रहा है, ये जो छप्पड़ की बात है इसके वजह से हमारा पानी दूषित भी हो रहा है। यहाँ सही रेट नहीं मिलता किसान को, अभी हम 10-15 दिन की बात है, हम जब किसान अपनी कॉटन लेके गया मंडी के अंदर, सरकार ने 5300 रुपये क्विंटल का तय किया था और वहाँ खरीदा जा रहा था 4800 रुपये, 4700 रुपये, 4600 रुपये। हमें जब पता चला हम वहाँ गए, हमारा साथी रघुवीर सिंह वर्मा उनके नेतृत्व में अंदर हमें बुला लिया, हमने विरोध किया, फिर बाद बोली रुकवाई, बाद हमने ज्ञापन भी दिया और वही नरमा हमने 5300 रुपये किलो क्विंटल के हिसाब से तुलवाया हमने। और आते हैं भी आपसे और भी बात करते हैं, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जो भी MLA भावी MLA आएगा उससे क्या उम्मीदें रखते हैं आप? उम्मीद तो सर यही है कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं। देखो ये हमारे राइस बेल्ट है, यहाँ नीचे का पानी दिन प्रतिदिन खत्म होने का, और जो रिचार्ज करने के लिए डॉक्टर साहब ने ये कुएं दिए हैं इनका बहुत बहुत ये तो देखो मैं अभी ये सब बातों पे हो चुकी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी विधानसभा का चुनाव है, चाहे डॉक्टर साहब आए, चाहे कामरेड का कोई आए, चाहे विनोद चौधरी, कोई भी पार्टी का MLA बनकर आता है, क्या उम्मीदें रखते हो उसे, क्या होना चाहिए और यहाँ पे? उम्मीद तो यही यहाँ हमारे तो गाँव में ऐसी कोई समस्या नहीं जो होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम कराया है और ये कोई है नहीं, स्कूल हमारे थे वो दोनों ही हो गए 12वीं के, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो कोई इस गांव की हो, मतलब कोई समस्या नहीं पहुँचा रही। हमारे साथ और भी लोग, आप बता दें। हाँ जी सर, समस्या तो इसमें ये है कि पहले हमारे स्कूल में ग्राउंड बहुत बढ़िया था और लगभग गांव के जितने भी बच्चे थे जिसकी उम्र लगभग 12 से 13 से लेके ऊपर 22-25 साल तक सब खेलते थे, तो लेकिन अब ये स्कूल के जो कमरे और बना दिए गए हैं वो ग्राउंड लगभग बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। यहाँ तो इसको ऐसा किया जाए कि इसको चारों तरफ से छता जाए, ठीक है, और बैडमिंटन का ग्राउंड बनाया जाए या फिर कोई और जगह बनाई जाए जहाँ पर बच्चों खेलने के लिए ग्राउंड मिल जाए। बस ये मेन समस्या है मेरे सामने। तो और क्या उम्मीदें रखते हैं जो भी MLA बन के आता है? सर उम्मीदें तो ये है कि अगर कोई बढ़िया MLA बन के आएगा तो हो सकता है कि ग्राउंड की ये समस्या जो सॉल्व कर दे। बाकी तो सर ऐसे चलता ही आ रहा है और अगर कहेंगे तो हो सकता है कि सॉल्व कर हो सके समस्या ये। और लोगों की भी राय लेते हैं, आप बता दीजिए क्या उम्मीदें रखते हैं जो भी MLA बन के आता है? हमारे डॉक्टर साहब के समय में काफ़ी विकास हो चुका है, अब हमारे सामने कोई समस्या नहीं है। अब हमारे सामने ये जोड़ पैतन वाली एक बस समस्या है जी, बस ये दूर होनी चाहिए। यहाँ से गुरु घर के सामने जो गंदा पानी इकट्ठा किया गया इसको कहीं बाहर सप्लाई किया जाए। अब जोड़ पैतन की समस्या और कोई समस्या नहीं है। हम अभी बने रहिए हमारे साथ, हम और लोगों से भी बात करते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं जी। आप बता दीजिए जो भी MLA भावी MLA बनकर आए क्या उम्मीदें रखते हैं उससे? उम्मीदें क्या है, वोट लेना उतने दिन तो उम्मीदें हैं, उसके बाद में क्या उम्मीद है जी, कैसे आप बताएंगे थोड़ा सा? तो क्या है, हमारा कोई मंडी का काम तो होता नहीं है जी, 15-15 दिन बैठे रहते हैं मंडी में जी, खेत का काम छोड़ना पड़ता है जी, पीछे जो फसल होती है वो पशु खा जाते हैं, हम मंडी में बैठे रहते हैं जी। तो MLA ये तो फिर करे ना कि आज गया कल नहीं तो परसों तो घर आए, माल तला के माल तो तुलता नहीं 15-15 दिन, तो मतलब उम्मीदें नहीं रख सकते आप? उम्मीदें कोई उम्मीदें नहीं जी, उतने दिन उम्मीदें हैं जितने दिन वोट नहीं है जी, वोट लेने के बाद में कोई उम्मीद नहीं है। वोट के टाइम जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते? कहाँ पूरा करते हैं जी, पिछले साल क्या रहा था? जो वादा करते हैं जो पूरा करे ना
तो बस फिर तो फिर दूसरे वोट का चक्कर ही नहीं पड़ता। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप बता दीजिए। ठीक है सब, ऐसा है क्या विकास की बात कर रहे हैं? हाँ। विकास ही जाते हम तो कोई भी आए, पर कोई भी आ जाए सब एक से ही है जी। जो करने वाले उनको आगे आने नहीं देते कोई, ये विकास करते हैं वोटों से। 60% वोट जब नज़दीक आते इलेक्शन जब भी होता है, उसके पहले नहीं होता कुछ, अब फिर भी दुखरा रहता है उसमें पड़ा रहता है। अब इसमें देखो यार नालियाँ बना दी, का नालियाँ का ड्रेन बता दो मेरे को, कहाँ पानी निकलता, कहीं कहीं नहीं निकलता, जाके देखिए आप। निकासी की व्यवस्था नहीं कोई? बिल्कुल निकासी की व्यवस्था, सबसे ये गंदा पानी जो यहाँ पड़ता है ये सबसे। अगर प्लेग्राउंड बना दें यहाँ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड था, वो भी खत्म करें, सड़कों पर खेलते हैं मरे बच्चे, रिस्की रिस्क है या कुछ नहीं करते, ये करते हैं सब अपने लिए करते हैं, ये विकास का नाम है। ये तो करे कोई पार्टी आ जाए, नेशनल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, आप उन्होंने नाम ही लिया, बीजेपी का ले लिया, कांग्रेस का ले लिया, नेशनल पार्टी तो नहीं है आप ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप फिर उसका नाम ही लिया, ये करे तो ये कुछ करते, लड़ते मरते तो ये है, ये जाकर जब मिल जाता थोड़ा बहुत, ये तो इलेक्शन के नज़दीक आके कर देते हैं कुछ कर, कुछ नहीं दे रहे कोई इनके पास, सिर्फ झूठे वायदे या खोखले, वो आपको भी पता है हमसे ज़्यादा तो आप जानते हैं, रोज ही मिलते हैं। तो हम और लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ बने रहिए। और हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, हम आपसे पूछना ये चाहते हैं कि आपके जो चकजोला सिंह पंचायत है इसमें सबसे कोई बड़ी समस्या एक बता दीजिए, क्या समस्या है? समस्या की बच्चों ने दस ही दिता, समस्या तुम्हें जी है, मैं जी दस उन्होंने दस ही दिखाई। सबसे बड़ी क्या है, एक ही समस्या बता दीजिए। बड़ी तो बड़ी की होगी बस, बड़ी तो पानी वाली है बड़ी जी। ठीक है, पानी निकल जाए सारा ठीक, पानी पीने वाला बहुत खराब होया खड़ा जी जी, बहुत गंदा पानी है, गोडे दुख लग गए लोगों के, गंदा पानी है। ये तो कह के कराया जाए तो ठीक है, कोई भी MLA कोई आवे ना करावे काम में जी जी। करते हैं और भी बात। हाँ सरपंच साहब, आप बता दीजिए कोई सबसे अच्छे कार्य जो इस पंचायत में, कोई एक बड़ी कार्य जो बता दीजिए, फायदा मिला है पंचायत को। पंचायत में मेन विकास कार्य होता है जी, जो सड़कों पे पानी फिरता है वहाँ रोडे बना चुकी है जी, और जो जनता आसानी से आ जा सके जी, मेन यही है। ठीक है जी, बस हम और भी लोगों से, कुछ लोग रह गए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि जी आप बता दीजिए कि इस पंचायत में कोई सबसे एक अच्छा कार्य बता दीजिए। सभी अच्छे कार्य हैं सर यहाँ, कोई भी बता दीजिए। हाँ, सड़कें बन गई जी, ये हमारे सारी उम्र का रंडी रोना था नालियों का जी, वो निकल गया, वो पानी की निकासी की है, वो इनको अब नए ला रहे हैं, जो उनको देखेंगे वो क्या करते हैं जी, जी। कोई खास समस्या अब नहीं है, कोई समस्याएँ तो थी, समस्याएं निकाल दी जी जी। बहुत ज़्यादा हद में निकाल दी समस्या जी जी। बस समस्याएं नहीं है जी। कोई समस्या नहीं है इनको बता रहे हैं हम, आपसे पूछ लेते हैं, आप बता दीजिए कोई एक बड़ी समस्या। हमारे एक तो प्ले ग्राउंड की बहुत बड़ी समस्या है जी। बच्चों के पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है जी जी। गंदे पानी की समस्या है, इसके अलावा जो मेन रोड है ये दिखती है एक, और इसके अलावा सारी रोडें टूटी हुई हैं, कहीं नहीं रोडें नहीं है, गरीब मोहल्ले में बिल्कुल कोई रोडों की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा जो ये मेरे भाई बंधु गिना रहे हैं भी ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ खोखले दिखाने के काम है, बाकी ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ जो अपने जिसको अपने कामयाबी मान सकें। और हम ये चाहते हैं भी चौधरी विनोद कुमार 40,000 वोटों से जीतें और उसके बाद हम इस गांव का स्वरूप चेंज कर देंगे जी जी। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं और भी, आप बता दीजिए कोई अच्छा बड़ा कार्य यहाँ पे। बिल्कुल जी, मैं पहले तो बड़ा कार्य बताने से पहले, जैसे हमारे अभी मित्र भाई ने कहा कि यहाँ पर कोई भी सड़कें टूटी फूटी हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप भी अभी रोडों से आए हो, आपने भी रोडें देखी हैं, आपको रोडों का तो यहाँ पर पता चली गया कि 90% रोडें कम्प्लीट बनी चुकी हैं। फिर जैसे हमारे इन छोटे भाई साहब ने, बड़े भाई साहब ने कहा कि जैसे यहाँ पर स्कूल के लिए कि कोई ऐसा इंडोर गेम्स के लिए बनाया जाए, तो वो अपने चकज्वाला सिंह वाला गांव के लिए इंडोर गेम के लिए एक बहुत बड़ा हॉल पूरा जिसमें बैडमिंटन वगैरह और गेम खेले जाएंगे वो मंजूर हो चुका है, वो मंजूर हो चुका है, और उसका निर्माण जल्दी जैसे ये इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद में ये शुरू हो जाएगा। ये तो जी देखो अपनी बात होगी इसके रिगार्डिंग जो अपने अभी तक चल रहा है। इसके बाद जैसे कि अपने जमींदारों की बात करें किसानों की, तो डॉक्टर राम प्रताप जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए, देखो जी हमारा गांव शहर के बिल्कुल नज़दीक है, दोनों शहरों के बीच में है, अगर यहाँ पर कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आती है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें मिलना है। जैसे हमारे भाई ने बताया कि यहाँ पर पानी ज़मीन वाले पानी बहुत अच्छे हैं, और जब ज़मीन वाले पानी अच्छे हैं तो आप यहाँ पर हर तरीके की खेती कर सकते हो, और हर तरीके की खेती तभी यहाँ पर संभव हो सकती है जब वहाँ पर उसके रिगार्डिंग रिसर्च हो। उस रिसर्च के लिए हमारी यही मांग है कि जो भी यहाँ पर MLA है वो एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पर लेकर आए जी।
ठीक है जी, बहुत कुछ मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की, हमारे साथ और भी लोग बने हैं, हम आपसे बात कर लेते हैं। इन पिछले 5 सालों में चाहे जो सरकार रही है, उन सरकार ने आपके इस पंचायत में क्या कुछ कार्य किए हैं? कार्य तो जी अच्छे किए हैं, क्योंकि हमारे स्कूल है जो पहले 10वीं का था, अब 12वीं का कर दिया, बाकी रोड वगैरह बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनी हुई है जी। और कोई गंदगी वाला काम नहीं है जी, जी। ठीक है, और पानी की समस्या भी कोई नहीं है जी। ठीक है जी, कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले एक थोड़ा और ये कहना चाहते हैं, कुछ बताइए। ऐसे जो हमारे पंचायत के जो विकास है हुए हैं, जो ये थोड़े सिर्फ चुनावी विकास हैं, पहले उससे पहले 5 साल तक ही सोए रहते हैं, 4.5 साल तकरीबन ये चुनावी विकास है। और जो समस्या जो हमारे गांव के अंदर है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि राशनिक व्यवस्था है जो हमारे गांव के अंदर है, जो कि यहाँ 7 दिन होल्डर को बैठना चाहिए, होल्डर डिपो है जो, उसको 7 दिन यहाँ बैठना चाहिए, ये 2 या 3 दिन बैठता है, और बैठने के बाद जब 2 से 3 बार अगर नहीं लेके गया तो तीसरी बार की वो गेहूँ काट ली जाती है। यहाँ कांटे के अंदर भी गड़बड़ है, यहाँ जो मिट्टी का तेल देते हैं उसके अंदर भी गड़बड़ है, और ये राशन व्यवस्था हमारे गाँव के अंदर बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरी, हमारे गाँव की जब से डॉक्टर साहब आए हैं उसके बाद आज तक पेंशन है जो आज गाँव के अंदर राउंड मेरे 10 महिलाएं तो मेरे को बुजुर्ग महिलाएं मिल चुकी हैं मेरे को, कि हमारी पेंशन 6-6 महीने से, मेरी मम्मी पापा की पेंशन भी 6 महीने से पेंशन नहीं आई, बंद हो गई, अब शुरू करवाई है वो पीछे की फिर डूब गई। और दूसरी बात है, अभी सरकार ने घोषणा भाषणों में देती है, सरकार कहती है, वसुंधरा भी कहती है कि हमने गाँव गाँव घर घर तक बिजली पहुँचा दी, अभी हम वोट मांग रहे थे, वार्ड नंबर 6 की 6 का बात है, तो वोट मांग रहे, वो बोला यार आप वोट तो मांगने आ जाते हो, मैं कितने साल से करला रहा हूँ, रो रहा हूँ कि मैं डॉक्टर साहब के पास भी, लोगों के पास भी गया हूँ, विनोद जी के आदमी के पास भी गया हूँ, आज तक मेरे घर के सामने खंभा नहीं लगा। आप जाके जांच कर सकते हो, जाके सारे साथी जो बीजेपी के बैठे हैं, कांग्रेस बैठे बैठे हैं, वो जाके देखे हैं जाके पहले, तो ये खोखले वादे किए थे उन्होंने। और विकास जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी विकास है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और मैं पानी नीचे जाने जो बात कही साथी ने कहा था कि अच्छा अच्छा पानी है, पर ये कब तक है? हमारा 25 फुट पर पानी था, आज 70-75 फुट पर पानी चला गया है, कब तक है ये पानी? ठीक है जी, ये थे चक ज्वाला सिंह के ग्रामीण, जिनसे हमने काफ़ी मुद्दों पर लेकर चर्चा की है, और सबसे बड़ी तो ये समस्या यहाँ जोहड़ की समस्या नज़र आई है, जो काफ़ी समस्या चल रही है, और बाकी छोटे मोटे जो भी विकास कार्य हैं सबने बताया है। मैं कैमरामैन सुनील के साथ प्रदीप पाल, स्काई चैनल नेटवर्क, हनुमानगढ़। लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र जैन द्वारा रोज एक वोटो निकाला जाता है, जिसमें लोगों से 100% मतदान के लिए अपील की जाती है। तो आइए नजर डालते हैं कि क्या है आज का वोटो। तो बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, कल आपके सामने कुछ और खबरों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।